जनरल सैयद आसिम मुनीर नए आर्मी चीफ और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बन गए। तमाम अफवाहें दम तोड़ गईं। गैर यकीनी कैफियत का खात्मा। सदर मुमलिकत ने वजीर आजम की समरी पर दस्तखत कर दिए। जनरल आसिम मुनीर और जनरल साहिर शमशाद की वजीर आजम और सदर से अलग अलग मुलाकातें। वजीर आजम ने मुबारकबाद दी। नई जिम्मेदारियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा उम्मीद है पाक फौज कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस से अहसन तरीके से निपटेगी। मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे में अहम किरदार अदा करती रहेगी। दबाव के बावजूद अहम तकरीरी का फैसला मेरिट पर किया। सीनियोरिटी के उसूल पर फैसला मुल्क के इस्तेहकाम का बाइस बनेगा। यही उसूल इदारों को मजबूत बनाता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं मुल्क में इंतशार और अफरा तफरी की गुंजाइश नहीं। मुआशी मजबूती हमारी अव्वलीन तरजीह है। इत्तेहादियों के साथ मिलकर सियासी इस्तेहकाम की मंजिल हासिल करेंगे। अहम तैनाती की मंजूरी के बाद सऊदी सफीर नवाब बिन सईद अल मालिकी ने वजीर आजम से मुलाकात की। साइन कर दिए हैं प्रेसिडेंट साहब ने, ये भी एक अच्छा शगुन है। तो मरला जो है एक जिसने एक रिजानी कैफियत पैदा की थी मुल्क के अंदर, वो सेटल हो गया, एमिकेबली सेटल हो गया, खुश भी सेटल हो गया है। सदर मुमलिकत का समरी पर दस्तखत करना नेक शगुन है। मुल्क में हिजानी कैफियत का खात्मा होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा आर्मी चीफ ने कल जो गुफ्तगू की वो अच्छा शगुन है। तमाम इदारों को अपनी आईनी हदूद में रहना चाहिए। अब सियासतदान भी अपना तर्ज अमल आईन और कानून की हदूद में लाएं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ के लिए पहली बार सीनियर तरीन अफसर के नाम की मंजूरी दी। समरी सदर मुमलिकत को इरसाल की गई। सदर अरवी इमरान खान से मुशावरत के लिए लाहौर चले गए लेकिन खेलने नहीं दिया। 45 मिनट की मुलाकात में कहा मैं सुप्रीम कमांडर हूँ, दस्तखत न किए तो रियासत मुश्किल में आ जाएगी। समरी मुस्तरद नहीं कर सकता, कौमी सलामती का मामला है, सियासत बाद में होती रहेगी। इमरान खान खामोशी से सुनते रहे। रहनुमाओं की अक्सरियत ने हिमायत की। जनरल सैयद आसिम मुनीर का फौजी करियर इंतहाई शानदार। ISI और MI दोनों की सरबराही का मुनफरिद एजाज। कोर कमांडर गुजरावाला की जिम्मेदारियां निभाईं। मदीना मुनवरा में तैनाती के दौरान कुरान पाक हिफ्ज़ किया। मार्च 2018 में हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री का एजाज़ हासिल किया। वो पहले क्वार्टर मास्टर जनरल हैं जिन्हें आर्मी चीफ मुकर्रर किया गया है। जनरल साहिर शमशाद कोर कमांडर रावलपिंडी, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के तौर पर खिदमत सरंजाम दे चुके हैं। आसिम मुनीर और साहिर शमशाद आउटस्टैंडिंग अफसरान हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे ने सुर्खी जमा दी। गल्फ न्यूज ने लिखा आसिम मुनीर जौहरी मुल्क की सलामती पॉलिसी बनाने में शामिल रहे हैं। नए आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला अल जजीरा, CNN, ब्लूमबर्ग और दीगर अखबारों की भी सुर्खी बन गया। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा मुल्क की तारीख में पहली बार हाफिज कुरान आर्मी चीफ का तकर्रुर खुश आइंद है। उम्मीद है वो फराइज की अदायगी में कुरानी हिदायत को मद्देनजर रखेंगे। जनरल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ तकर्रुरी का फैसला। भारतीय आवाम को फैंटास्टिक चाय का मजा याद आ गया। 27 फरवरी के ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट पर मिलने वाले जख्म ताजा हुए। भारतीय एंकर्स की चीखें आसमान से बातें करने लगीं। पूरे हिंदुस्तान में शोक का समा। पाकिस्तान और पाक फौज के खिलाफ हर्जा सराई। वजीर आजम शहबाज शरीफ से DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की मुलाकात। वजीर आजम को अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वजीर आजम से सबकदोश होने वाले चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने अलविदाई मुलाकात की। शहबाज शरीफ का जनरल नदीम रजा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा मुल्क के लिए आपकी खिदमात पर फख्र है। जनरल नदीम रजा ने सदर मुमलिकत से भी अलविदाई मुलाकात की। पाक फौज ने भारत की जानिब से आज़ाद कश्मीर में दहशतगर्दों की मौजूदगी का बयान मुस्तरद कर दिया। DGISPR ने वाज़े कर दिया पाकिस्तान की आम की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। हर किस्म की मुहिमजोई का मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मन घड़त इल्ज़ामात। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज के मजालिम से तवज्जो हटाने की कोशिश है।
फैसल वावडा दोहरी शहरियत छुपाने की गलती तस्लीम करें और एक टर्म के लिए ना अहल हो जाए या 62(1)(f) के तहत ताहयात ना अहली के लिए तैयार हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावडा को दो ऑप्शंस दे दिए। चीन में सख्त पाबंदियों के बावजूद कोरोना बेकाबू होने लगा। एक दिन में रिकॉर्ड 31,500 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। नई लहर के बाद ये सबसे बड़ी तादाद है। जेंगजू में लॉकडाउन नाफिज, लोगों को घरों तक महदूद रहने की हिदायत। मेरे लिए थोड़ा सा ये था, सरप्राइजिंग था। ठीक है, ये कह रहा था सीरीज दो सीरीज हो जाती हैं, लेकिन उसकी परफॉर्मेंसेज बहुत बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेज रही, उसने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। तो मेरे ख्याल में टीम का ऐसे नहीं कर देना चाहिए था, 15-20-16 लड़कों में रखना चाहिए था। फवाद आलम को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बनाना चाहिए था। शाहीन अफरीदी 2-3 हफ्ते में फिट हो जाएंगे। डायरेक्टर स्पोर्ट्स नवा शाहिद अफरीदी कहते हैं, वर्ल्ड कप में सऊदी अरब को बड़ी जीत मिली, मेरी फेवरेट टीम जर्मनी है। और मोहब्बत की खुशबू को शेरों में समोने वाली शायरा मद्दाहों ने आज परवीन शाकिर की 70वीं सालगिरह मनाई।